पिछले कई दिनों से कटिहार के कोढ़ा प्रखंड की मधुरा पंचायत बाढ़ का कहर झेल रही है। इस पंचायत के कई गांव रक्सी, छोटा रक्सी, देवकली और पेकहा आदि बाढ़ की मार से तबाह और परेशान है। आज इन बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए कोढ़ा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मधुरा पंचायत पहुंचे। मधुरा पंचायत पहुंचकर उन्होंने आसपास के सभी गाँव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार से मधुरा पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। कर दी, गांव के गांव कट रहे हैं और उसके बाद आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का नाम नहीं ले रहे। कोई ब्लॉक नहीं है जो प्रभावित नहीं है, रुपोली हो, किशनगंज का हो, कटिहार का हो, पहले मनिहारी डूबा, फिर बड़ारी की स्थिति वही है, कुर्सेला की स्थिति वही है, नौगछिया की स्थिति वही है। हम तो एक एक घर गए हैं और सरकार ने अभी तक ये सोचा नहीं। 1.5 लाख परिवार तक हमें आर्थिक रूप से हमको पहुंचना पड़ा। 4.5 लाख परिवार तक अभी तक राशन पहुंच पाया, लेकिन सरकार सूखा राशन नहीं दी, पन्नी लेकर के वापस कर लिया, पन्नी लेकर। और अब कहती है कि हम 7,000 रुपया देंगे। क्या ये 7,000 रुपया आप कोनो कर्जा दे रहे हैं क्या? मेरा ही पैसा आप हमको 7,000 रुपया, पूरा फसल खत्म हो गई, घर खत्म हो गया, घर के सामान खत्म हो गए, माल मवेशी खत्म हो गया, और आप उसके बाद 6,000 रुपया, 6,000 रुपया में आप एक तो कपड़ा पहनते हैं, तब तो आप 20,000 रुपया आपको कपड़ा में लगता है। इसीलिए मैंने डिमांड किया बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए, बड़ारी को, कुर्सेला को, नौगछिया को, बायसा को, बायसी को, कोढ़ा के कुछ पोर्शन को पूरा पंचायत करिए। आप आंशिक कर देते हैं, डूबा पूरा पंचायत करिएगा आंशिक। आप मुखिया जी को मारने खिलाइएगा, आप 50 ठो पन्नी देना चाहते हैं, 100 ठो आप पैकेट देना चाहते हैं। 6,000 की आबादी है, क्या बचेंगे मुखिया जी लोग? और कर्मचारी के द्वारा आप तय करिएगा कौन हुआ कौन नहीं हुआ। आप मुखिया जी क्यों बात करिएगा? बिना अनुसरण समिति के कैसे पास हो जाएगा? और अनुसरण समिति के अध्यक्ष पंचायत के एक्स मुखिया और वर्तमान मुखिया होते हैं, तो बिना अनुसरण समिति के भेज दीजिएगा। इसलिए बिहार स्थिति अच्छी नहीं है और खाना पूर्ति हो रही है। नदी के भीतर जाने का नाम कोई पदाधिकारी लेता नहीं है, बाहर से जा करके सर्वे करता है। इसलिए मेरा सरकार से डिमांड है, 2 लाख रुपया प्रत्येक अकाउंट में डालिए हर कीमत पर। प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास से आप घर बनाइए, जितना घर भीत का और टीन का खत्म हो गया, कोई घर नहीं बचा, और फसल क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए और बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए।